नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले एक घंटे आपके स्क्रीन पर दिन भर की सभी बड़ी खबरें आने को तैयार हैं, लेकिन शुरुआत हम करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर से, क्रिप्टो करेंसी। जी हां, ये नाम जिससे आज का युवा बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है एक इन्वेस्टर के तौर पर, और इसके बारे में उसकी जानने की जिज्ञासाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये नाम जो है उसके साथ आए दिन कुछ ना कुछ अस्थिरता जुड़ी हुई है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस बार का कोहराम कुछ अलग तरह का है। फैंसी एसेट क्लास के निवेशकों में डर और घबराहट इस वजह से नजर आ रही है। बेचैनी इतनी है कि हफ्ते भर में अलग अलग करेंसी में 20-30% तक की भारी गिरावट आ चुकी है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में महीने भर में 50% से ज्यादा की भारी बिकवाली ने सब कुछ एक प्रश्न के तौर पर लोगों के सामने ला खड़ा किया है। एक संभावनाएं जहां नजर आ रही थी वहां अब सवाल हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज FTX दिवालिया होने की कगार पर है और इस कदर संकट में फंसा है कि इस एक्सचेंज FTX ने इंसॉल्वेंसी प्रोटेक्शन के लिए भी आवेदन कर दिया है। क्यों आई है क्रिप्टो मार्केट में इस तरह की गिरावट, बड़ा सवाल। आगे के लिए क्या है इसमें संकेत, क्या क्रिप्टो में जो आज का युवा जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगातार इसमें इन्वॉल्व हो रहा था, क्या उसके लिए अब ये संभावनाएं खत्म हो रही हैं? क्योंकि इस बार की हम गिरावट को देखें तो ये गिरावट सेंटिमेंट वाली गिरावट नहीं है। सेंटिमेंट तो हर मार्केट में जो है उसे चढ़ाते उतारते रहते हैं, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशनल गिरावट है। और यही हमने देखा कि जो FTX है, FTX एक्सचेंज, उसने दिवालिया होने के जो संकेत हैं वो देने शुरू कर दिए। ये नहीं, उसने जो इंसॉल्वेंसी प्रोटेक्शन है उसके लिए भी अर्जी दे दी है। बड़ा सवाल ये है कि एक जो बड़ा तबका है युवाओं का, जो ये क्रिप्टो चेन है, जो बिटकॉइन है, इसमें जो निवेश की संभावनाएं देख रहा था, उसके लिए क्या ये खतरे की घंटी है? क्या क्रिप्टो मार्केट में जिस तरह की स्थितियां अभी बन रही हैं वो अब इसकी भविष्य की जो भी संभावनाएं थीं उसको पूरी तरह से खत्म कर रही हैं? कई सवाल इस मामले में उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि FTX ने सॉल्वेंसी प्रोटेक्शन के लिए आवेदन किया है और ये आवेदन ये संकेत दे रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट में अब जो हाहाकार मचा हुआ है वो संभावनाओं पर एक तरह से बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। EPFO पेंशन मसले पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की आपात बैठक इस महीने के आखिर तक हो सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसमें पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने पर चर्चा होगी। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, EPFO पेंशन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसे कैसे लागू किया जाए, इस मसले पर EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक आपात बैठक इस महीने के आखिर तक हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। EPFO को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि इस फैसले से संबंधित जो आंकड़े हो सकते हैं उसको जुटाए जाएं और इस महीने के आखिर तक एक अहम बैठक जो है वो हो सकती है, जिसमें इस बात की रणनीति बनेगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आखिर कैसे लागू किया जाए। ईपीएफओ को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि 1 सितंबर 2014 तक कितने एम्प्लॉय जो थे वो EPFO के सब्सक्राइबर थे, उसके बाद कितने एम्प्लॉय जुड़े, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, साथ ही साथ EPFO के पास इस वक्त सरप्लस अमाउंट कितना है, इस फैसले को लागू करने के बाद किस किस तरह के आर्थिक दबाव आएंगे, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर EPFO से जानकारी मांगी जाएगी और इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। साथ ही साथ अगली बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि जो मिनिमम पेंशन है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से हो। अभी 1,000 रुपये है, उसको बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि इस प्रस्ताव पर फिर से काम किया जाए, लिहाजा
नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और अगली बैठक में इस पर भी मुहर लगाई जाएगी। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि नए विकल्प जो होंगे जिसमें कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के साथ ज़्यादा पेंशन एम्प्लॉय हासिल कर सकते हैं, उसके लिए जो जो कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जानकारी दी जाएगी, उनको निर्देश दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों तक इस बात इसको सूचित किया जाए ताकि वो अपने इच्छा के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से इस विकल्प का चुनाव कर पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि EPS अमेंडमेंट 2014 के मसले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जो भी कर्मचारी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के साथ ज़्यादा पेंशन लेना चाहते हैं उन्हें ये विकल्प दिया जाना चाहिए और इस विंडो को 4 महीने तक खोल दिया गया है। साथ ही साथ जो 15,000 रुपये की सेलिंग थी जिसके हिसाब से पेंशन का कैलकुलेशन होता है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से पेंशन का कैलकुलेशन हो। अगर कोई भी कर्मचारी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के साथ ज़्यादा पेंशन लेना चाहता है तो जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए और 15,000 रुपये की सेलिंग को जो है वो मानने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मसले पर EPFO को फैसला लेना है, लिहाजा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो अगली बैठक होने जा रही है वो काफ़ी अहम है। बढ़ते आगे, कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत लोगों को समझ आई है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% GST के चलते ये महंगा हो जाता है और लोग उसे बचते नजर आते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां चाहती हैं कि GST में कटौती की जाए और इसके लिए उनकी सरकार से बातचीत हो रही है, लेकिन सरकार GST में कटौती 5% तक करना चाहती है लेकिन इनपुट क्रेडिट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनियां इनपुट क्रेडिट के फायदे छोड़ने को राजी नहीं है। पूरी खबर क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। कोविड के बाद जो है हेल्थ इंश्योरेंस का जो चलन है वो बढ़ा है, हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ी है, लेकिन जो 18% GST है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर वो एक काफ़ी बड़ी बाधा है हेल्थ इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो एक बार फिर जो हेल्थ इंश्योरेंस पे GST को कम करने की चर्चाएँ हैं वो तेज़ हो गई है। इंश्योरेंस कंपनियों की मांग है कि इस 18% जो GST है उसको कम किया जाए, इसे घटाया जाए, क्योंकि इसी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। कंपनियों की जो बातचीत चल रही है उसके मुताबिक जो उनको संकेत दिए गए हैं कि सरकार भी चाहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस को पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए GST की दर कम होनी चाहिए, लेकिन अभी तक की जो बातचीत है वहां पर संकेत दिए गए कि सरकार 5% GST के लिए तैयार हो सकती है लेकिन बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के। तो अगर बिना कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा, उनके लिए लॉस में रहेगी इंश्योरेंस कंपनियां, क्योंकि अभी जो 18% GST चुकाया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे वहां पर इंश्योरेंस कंपनियां पूरी तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह का एक सहमति बनाई जाती है, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने देखा कोविड के बाद यहाँ पर 15% से ज़्यादा की ग्रोथ है, 60,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रीमियम जो है इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा अर्जित किया गया है। और जो सरकार की मंशा है कि हर किसी को इंश्योरेंस की पहुँच तक लेके आना, तो वहाँ पर भी एक काफ़ी ज़रूरी कदम है कि GST की दर को कम किया जाए। तो इंश्योरेंस कंपनियों की मांग है कि इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट जारी रहे लेकिन 18% जो GST है उसे कम करके 12% तक लाया जाए। की ओर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को लेकर सेबी की ओर से जल्द गाइडलाइन जारी की जा सकती है जिसके तहत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने की तैयारी है। खबर क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, एकदम हमारे व्यूअर्स के काम की खबर है कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, जो कई तरीके की फाइनेंशियल एडवाइसेस देखते हैं, वहाँ पर सेबी अब एक प्रॉपर रेगुलेशन लाने वाली है। अब यहाँ पे अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो सेबी के एक आला अधिकारी ने हमें यहाँ पे बताया कि तीन तरीके के मोटे इश्यूज़ हैं। पहला, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले कई सारे नई लिस्टिंग्स हुई हैं जहाँ पे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप पीछे जाएं तो सेबी ने पाया है कि कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने, और ये एडवाइजर्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है सेबी पे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी यहाँ पर और कई सारे रिटेल निवेशक यहाँ पे फंसे। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जहां पर रिकमेंडेशंस आती हैं जिसमें रिटेल निवेशक फंस जाते हैं और ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको कंपनियों से मुनाफा होता है, किसी तरीके की फाइनेंशियल डीलिंग्स होती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं करूं तो सेबी में जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो करीब 1300 हैं, बस 1300। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया चैनल्स देखें तो कितनी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस आपको मिल जाएगी। अब यहां पर सेबी लगाम लगाने वाला है, कुछ जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ऑलरेडी नोटिस भेज चुका है और इसके अलावा एक कड़ा रेगुलेशन भी आने वाला है जिससे जो करंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुगर कॉरपोरेटिव्स को इन दिनों फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इससे किसानों को मिलने वाले पेमेंट्स में भी समस्याएं आ रही हैं और इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। क्या रहा इस मीटिंग में बातें, इस पर जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शुगर कोऑपरेटिव्स हैं वो काफ़ी समय से उनके फाइनेंशियल ट्रबल्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेमेंट वो फार्मर्स को देते हैं उसमें भी डिले हो जाता है। इसी की वजह से ये जो फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं शुगर कोऑपरेटिव्स के, ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा कंसर्न है। इसी के लिए हमने आपको बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने आज एक मीटिंग भी करी है टॉप फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे और बाकी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं मिनिस्ट्री के वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, इस मीटिंग में पूरा रिव्यू लिया गया है कि कितना क्रेडिट जो है शुगर कोऑपरेटिव्स को जा रहा है और कितनी डिफ़िकल्टी शुगर कोऑपरेटिव्स को हो रही है इस क्रेडिट को प्राप्त करने में। और ये भी मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि जो भी ग्लिचेस हैं कोऑपरेटिव्स को क्रेडिट बैंक से लोन लेने में वो किस तरह से ईज़ किए जाएँ, किस तरह से जो ग्लिचेस हैं वो रिमूव करे जाएं ताकि ये शुगर कोऑपरेटिव्स को इजी क्रेडिट प्रोवाइड हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने हाल ही में देखा हरियाणा स्टेट ने भी अनाउंस किया कि जो इथेनॉल प्लांट्स हैं वो शुगर मिल्स में ही इस्टेब्लिश हों ताकि उससे भी थोड़ा जो शुगर मिल्स हैं उनको थोड़ा राहत मिल सके। तो इसी तरह के जो सारे जो स्टेप्स हैं उनका पूरा रिव्यू लिया गया और ये अब डिसाइड किया जाएगा किस तरह के मेजर्स लिए जाएँ, किस तरह के अनाउंसमेंट्स किए जाएँ ताकि जो शुगर कोऑपरेटिव्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो सके और जो पेमेंट्स होते हैं फार्मर्स को वो भी टाइमली पेमेंट्स मिल सके। बढ़ते आगे, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कॉमन पोर्ट और कॉमन चार्जर बनाने के लिए सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स के साथ बैठक की। बैठक में फैसले को अमल में लाने के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर चर्चा की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर गैजेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपकी काम की है, क्योंकि सरकार ने अभी हाल में इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स मीटिंग करी है। ये मीटिंग इस मुद्दे के साथ में हुई कि किस तरीके से आने वाले वक्त में तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कॉमन चार्जिंग पोर्ट, एक कॉमन चार्जर बनाया जा सके, इसका फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक इंडस्ट्री बड़ी तौर पर इस बात के लिए सहमत हो गई है कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मसलन स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप के लिए वो यूएसबी टाइप सी को एक कॉमन चार्जर के तौर पे अपनाएंगे और इसको वो रोल आउट करेंगे। पूरी तरीके से कब रोल आउट हो जाएगा इसका कोई तय समय सीमा नहीं है। माना ही जा रहा है कि जब यूरोपियन यूनियन में इसको अपना लिया जाएगा तब उसको भारत में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि एक सब कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि आपके स्मार्ट वेरिएबल्स, मसलन आपके ईयरफोन्स, आपके स्मार्ट वॉच को लेकर के एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट डेवलप किया जाए। ये सब कमेटी इसका अध्ययन करेगी और जल्द ही इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। ये जो बैठक हुई है इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स, इसकी अध्यक्षता सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स ने करी और इसमें तमाम अहम स्टेक होल्डर शामिल थे, मसलन सीआईआई फिक्की जो कि इंडस्ट्री बॉडी है, आईआईटी बीएचयू के प्रतिनिधि, एप्पल सैमसंग जैसी जो मोबाइल कंपनियां हैं इनके प्रतिनिधि और साथ ही साथ जो हार्डवेयर कंपनियां हैं डेल या लेनोवो उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि ये किस तरीके से लागू होगा वो तो देखना ही होगा, लेकिन सैमसंग या एप्पल या जो एंड्रॉयड कंपनियां हैं वो यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट को बड़े पैमाने पे अपनाती हैं। एप्पल एक बड़ी कंपनी है और वो इसको किस तरीके से अपनाएगी या रोल आउट करेगी ये देखना आने वाले वक्त में काफी दिलचस्प होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मवेशियों से होने वाली रेल हादसों को रोकने के लिए रेलवे अगले 6 महीने में 1000 किलोमीटर लंबी दीवार बनाएगा। पिछले कुछ दिनों में मवेशियों के टकराने के बाद वंदे भारत की 2 ट्रेनों का अगला हिस्सा
क्षतिग्रस्त हो गया था। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक रेलवे दो अलग अलग डिजाइन पर विचार कर रहा है। कुछ जगह मजबूत दीवार बनाने की मंजूरी दी गई है और अगर डिजाइन कारगर रहा तो 1000 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी। कैटल हिट के बारे में बहुत ही सीरियसली काम करके, वैसे काम तो पहले से काफी लंबे टाइम से चला आ रहा था, बाउंड्री वॉल के दो डिफरेंट डिजाइन्स अप्रूव हुए हैं। एक डिजाइन ऐसा है जो कि बहुत रैपिडली लगाया जा सकता है, तो टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर कई सारे सेक्शंस में उस प्रकार की नए डिजाइन की बाउंड्री वॉल को लगा दिया जाएगा। इधर रेलवे फील्ड वर्कर्स के लिए राहत की खबर है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी का कहना है कि रेलवे 80,000 फील्ड वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी करेगा। बेसिकली द पीपल द सुपरवाइजर्स एट दैट लेवल वेयर स्टैग्नेटेड, सो दे वेयर हैविंग नो अपॉर्चुनिटी टू गेट अ बेटर स्केल एंड टू मूव अप अहेड। So that decision, we have pursued it and Finance Ministry and our Honorable Prime Minister have given us the opportunity that they get the opportunity to get upgraded. It will send a very good message to the supervisors because there are 80,000 people who are going to get advantage out of it. And they will move ahead, they will have the opportunity to move to Group B, they will have the opportunity even to move to Group A. So it will give a huge flip to the organization. The motivation level in the of the supervisors will increase drastically. बढ़ते आगे, वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की बयानबाजी ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने एक बार फिर वीर सावरकर की विचारधारा को लेकर हमला बोला, लेकिन उद्धव ठाकरे ने राहुल के इस बयान से असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी सावरकर का बहुत सम्मान करती है और राहुल गांधी की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी राहुल पर हमलावर हुई है। सबसे पहले सुनाते हैं कि राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर कहा क्या था। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको, और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी डी सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारतवर्ष की शान महाराष्ट्र के सपूत वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर जी के लिए महाराष्ट्र में प्रयोग किए हैं, वो बहुत ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। ये मैं इसलिए आया हूँ कि राहुल गांधी ने परसों महाराष्ट्र में आकर एक सभा में ऐसा कहा कि वीर सावरकर पेंशन लेते थे और ब्रिटिशों की नौकरी करते थे, वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते थे। ऐसे जो उन्होंने अत्यंत आपत्तिकारक जो सावरकर जी के बयान दिए, उनका जो अपमान किया, उसके विरुद्ध मैं यहाँ आया हूँ। इधर राहुल के बयान के खिलाफ शिंदे गुट ने ठाणे में प्रदर्शन भी किया। एक सावरकर एक हिंदू की अस्मिता है, सावरकर के बाद में माननीय बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के बारे में पुकार लगाई थी, और इस बीच में
जब बाला साहब मनीष अंकल ने सावरकर के खिलाफ कुछ बातें किए थे तो चप्पल से बाला साहब ने खुद मारा था, और वो तो हर जगह उसकी आप तस्वीरें आपने देखी होगी। इसलिए हमारा भी कहना यही है कि जब भी सावरकर के खिलाफ कोई भी बोलेगा, मगर राहुल गांधी रहे या कोई रहे, हम उनको जोड़ा मारो आंदोलन करेंगे। चले कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। इस बीच कैश फॉर टिकट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी आज एसीबी के सामने पेश हुए। बता दें कि बुधवार को एसीबी ने मामले में अखिलेश त्रिपाठी के साले और पीए समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि त्रिपाठी का दावा है कि गिरफ्तार तीनों लोगों से उनके कोई पारिवारिक संबंध नहीं। दरअसल कमलानगर के वार्ड नंबर 69 से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शोभा ने पार्षद के टिकट की मांग की थी, जिसके बाद शोभा खारी का आरोप है कि एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी ने इस टिकट दिलाने की एवज में उनसे 90 लाख रुपए की डिमांड की थी। मेरे को धमकी दी जा रही है, कंप्लेंट वापस लो। आपका पुराना आपराधिक इतिहास बोले, कौन बोले, सारे फर्जी है मेरे, इतिहास उठा के देख लो मेरी एफआईआर। मेरी एफआईआर उठा के देख लो मेरे पे कितने फर्जी मुकदमे हैं। मैं सारे सबूत दूंगा आप लोगों को। और भी विधायकों का नाम है क्या? हाँ, 3-4 विधायकों के नाम है। धमकी दे रहे हैं मेरे को। बढ़ते आगे, श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा है। वहीं इस हत्याकांड में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस मर्डर केस के तार उत्तराखंड और हिमाचल से जुड़ रहे हैं। पुलिस आरोपी को पूछताछ के लिए इन दोनों राज्यों में लेकर जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस केस के आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। साकेत कोर्ट में वकीलों ने आफताब के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, फांसी की मांग की। वहीं श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला गया। बढ़ते आगे, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार अपनी 2 दिन की तेजी बरकरार नहीं रख पाया। निफ्टी 66 अंक फिसलकर 18,350 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 230 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी बैंक 77 अंक गिरकर 42,458 पर बंद हुआ। चले बढ़ते आगे, मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के अतुल सूरी का कहना है कि इस समय घरेलू बाजार के साथ ग्लोबल मार्केट पर भी नजर रखनी चाहिए, साथ ही कैपिटल गुड्स और कॉरपोरेट फेसिंग के बैंक्स पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। हमको जो ग्लोबल मार्केट्स है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। आपका नैसडैक लाइफ टाइम हाई से 30% अवे है, आपका डाओ 10% है, S&P 500 17% है, और हम जाके न्यू लाइफ टाइम हाई ऐसे निकाल देंगे, तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमी। एक्चुअली हमारा है दुनिया में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है लास्ट ईयर। हमारा मार्केट ही ऐसा मार्केट है जो एक लाइफ टाइम हाई के करीब है। तो एक मार्केट को ग्लोबल सिनेरियो से बहुत हटके नहीं हो सकता। ये ही बहुत जो अब तक जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत हटके परफॉर्मेंस है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें न्यू हाई करके और वहाँ पे मोमेंटम दिखाना है, या तो हमें थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि भाई ग्लोबल मार्केट जो है बहुत एक रिवाइव जोर से हो और वो हमें भी साथ ले जाए। बट जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है रिलेटिव टू ग्लोबल मार्केट्स वो बहुत अच्छा रहा है। शायद इंडेक्स में हमको ऐसा नहीं लग रहा, बट फिर भी इंडिया में आप देखिए वो वैसा पैनिक नहीं है। अब अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर से बात करिए, आप यूएस से करिए, बहुत से लोगों का टेक्नोलॉजी में है, आप वो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए, 30-40-50% ड्रॉडाउन तो हर जगह है, और हम लाइफ टाइम हाई के बारे में बात करते हैं, ये बहुत अलग दुनिया नहीं हो सकती। बैंकिंग ने 2020 का जो कोविड टॉप था उसके बाद अंडर परफॉर्म किया है। ये ऑलमोस्ट 1.5 साल का अंडर परफॉर्मेंस रहा है बैंक निफ्टी में, और ये जो पुलबैक भी आ रहा है हमें बैंकिंग में दिख रहा है, अगर आप देखिए तो ये जो है कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स में हो रहा है। तो बैंकिंग को मैं PSU और प्राइवेट में डिवाइड नहीं करूँगा, मैं इनको कॉर्पोरेट फेसिंग और पर्सनल बैंकिंग के हिसाब से देखूँगा। तो मुझे लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक के नंबर्स हैं या जैसे उनके फॉर्मेशंस हैं, इसको एक बहुत बड़ा कैचअप करना था। PSU बैंक से वो 10 साल से नहीं चले, 14 साल से 2008 टॉप के बाद ये स्टॉक्स ने न्यू हाइज नहीं लगाए हैं। उस हिसाब से हमारा मार्केट वहाँ से
तीन गुना हो गया निफ्टी जो है। तो मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर्स हैं ये इन्होंने डिकेडल अंडर परफॉर्मर्स हैं, तो इनकी जो रैली है वो शुरू हुई है। तो आई वुड प्रिफर के कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स में ध्यान रखा जाए रादर देन, लेकिन बैंकिंग एज अ होल डेफिनेटली लीडरशिप देगा, उसके जो नंबर्स हैं बहुत अच्छे आए PSU बैंक्स में। इसी तरह आप देखेंगे जो कैपिटल गुड्स इंडेक्स है उसने भी 10 साल से कुछ नहीं किया, 2008 से लेके 18-19-20 तक वो लाइफ टाइम हाई नहीं निकाल पाया। और ये जो इंडस्ट्रियल्स हैं इनकी जो रैली है वो सिर्फ इंडिया में नहीं दिख रही है, आपको ग्लोबली दिख रही है। तो मैं हम US की बात करते हैं, सबसे बड़ी मार्केट है, मैंने बताया कि NASDAQ जो टेक है, जो फेवरेट है, डार्लिंग है, मोस्ट ओवरऑन सेक्टर है, वो 30% फ्रॉम लाइफ टाइम है NASDAQ, मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका S&P 500 17% है, विच इज़ द ब्रॉडर टॉप 500, बट जो डाउ जोन इंडस्ट्रियल है वो सिर्फ 10% है। सो आप देखेंगे कि ये जो फॉल है या जो थोड़ा ऊपर मूव हुआ है उसमें जो इंडस्ट्रियल फेसिंग इंडेक्स रहा है, जो डाउ जोन इंडस्ट्रियल पर से है, वो सिर्फ 10% है लाइफ टाइम हाई से। सो ये जो इंडस्ट्री फेसिंग है, कैपेक्स रिलेटेड है, क्योंकि ये एक सेक्टर है ये बहुत देर से इग्नोर हुआ था, इसमें अंडर इन्वेस्टेड था, हम ज़्यादा ESG में चले गए थे, हमने जो है रिसोर्सेज में कम इन्वेस्ट किया, कमोडिटीज़ में कम इन्वेस्ट किया। अब दुनिया को लग गया है कि ये बहुत एक्सेसिव एक साइड हो गए हैं, ये जो आपका प्लेटफॉर्म बिजनेस है या न्यू टेक है, और इसीलिए अभी इन्वेस्टमेंट्स दूसरी तरफ आ रही है। देखिए ये एक पेंडुलम है, ये एक साइकिल है, कोई चीज़ इस मार्केट में कांस्टेंट नहीं रहती या कोई चीज़ इन्फिनाइट नहीं रहती, तो वो जो है वो स्विंग हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये जो टेक, न्यू एज बिजनेसेस, फार्मा एक्सेट्रा जो है, उसका स्विंग आपको इंडस्ट्रियल्स और जो कॉर्पोरेट कमर्शियल फेसिंग एक्टिविटीज़ है उसमें दिख रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पेटीएम के शेयर आज करीब 11% तक टूटे, क्यों क्रैश हुआ पेटीएम, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। तो अगर आप देखेंगे तो सॉफ्ट बैंक मोस्ट लाइकली सेलर है आज के ट्रेड में, करीब 2.9 करोड़ शेयर्स वो बेच रहे हैं, जो कि 4.5% स्टेक है, और ये 555 रुपीज जो उनका लोअर एंड था प्राइस बैंड का उस पर ये डील हुई है, करीब 7.7% डिस्काउंट था कल के ट्रेड से। अब जो बाकी का स्टेक बचा है सॉफ्ट बैंक का, करीब 12.9% स्टेक, उस पर 60 डे का लॉक इन है। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 60 डेज के लिए सॉफ्ट बैंक की तरफ से कोई सेलिंग नहीं आएगी। अब कौन ये बायर्स है सॉफ्ट बैंक के स्टेक पे, सोर्सेस है ये पता चल रहा है कि नॉर्जेस बैंक, सिगेंटी और मिलेनियम बड़े बायर्स रहे हैं इस स्टेक में, और BNP पारिबास ने भी एक छोटा सा स्टेक खरीदा है इस, ये जो स्टेक सेल आज के ट्रेड में हुआ है। अब याद रखिएगा पेटीएम पे जो लॉक इन था प्री IPO इन्वेस्टर्स के लिए वो नवंबर 14 को खुल गया था, और उसके बाद हमें सोसाइटी जनरल की तरफ से भी एक छोटा सा ब्लॉक दिखा था, और आज एक बड़ा ब्लॉक दिखा है सॉफ्ट बैंक की तरफ से। अब सॉफ्ट बैंक ने करीब 1.6 बिलियन इन्वेस्ट किया था पेटीएम में, और जिसकी वैल्यूएशन अब से 4,500 करोड़ है, क्योंकि 70% ड्रॉप हमें शेयर प्राइस में दिखा है। अब ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि सॉफ्ट बैंक का स्टेक पॉलिसी बाजार और डिलीवरी पे भी है। पॉलिसी बाजार पे का जो लॉक इन पीरियड है वो ऑलरेडी खुल चुका है नवंबर 10, और उसके बाद हमें ऑलरेडी ब्लॉग्स दिखे हैं उस कंपनी में। टाइगर ग्लोबल ने करीब 1.9 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, इंटरनेट फंड ने करीब 1.1 बेचे हैं, और डिलीवरी पे जो ब्लॉक है, डिलीवरी पे जो लॉक इन है वो 21 नवंबर को खुलने वाला है। और आज हमने नायका में भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखे हैं जब से ये लॉक इन खुला, इनफैक्ट कंटिन्यूसली ब्लॉक डील्स हो रहे हैं नायका पे। लाइट हाउस ने पहले 4 करोड़ शेयर्स बेचे थे, TPG ग्रोथ ने करीब 1.1 करोड़ शेयर्स, और एक बड़े एम्प्लॉयज ने करीब 1.5 करोड़ शेयर्स दिखे। तो जब से ये लॉक इन खुल रहे हैं, ये जो कंज्यूमर टेक रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है, सारी कंपनीज में हमें एक बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं जिसमें प्री IPO इन्वेस्टर्स जो है वो अपने स्टेक बेचे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रेलवे से जुड़े शेयर्स फोकस में हैं। रेलवे शेयरों के लिए आखिर ट्रिगर्स क्या हैं, हमारी सहयोगी अशेषा इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं। रेलवे स्टॉक्स में पिछले कई दिनों से काफ़ी हलचल देखने को मिली है। इनफैक्ट रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो पिछले 5 दिनों में 23% का अपमूव देखने को मिला है, और पिछले 6 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है। बाकी स्टॉक्स की बात करें तो रेलटेल, राइट्स, टीटागढ़, वैगन, टेक्समैको, सभी की सेम स्टोरी है। 5 दिनों में ही नहीं, पिछले 6 महीने ईयर टू डेट सभी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। आइए इसका रीज़न जान लेते हैं। गवर्नमेंट ने FY 2022-23 के लिए टोटल 7.25 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया था, और इसमें से 34% रेलवेज के लिए है, जिसका मतलब यह होता है कि 2.45 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर खाली रेलवेज को एलोकेट किया गया है।
रिपोर्ट्स की माने तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 11.4% से ग्रो कर सकता है FY 21 से 26 पीरियड में CAGR बेसिस पर, और उसी के चलते इन कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उसी के चलते स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। रेलवेज़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स की बात करें तो जो नई ट्रैक लगाई जाती है उसमें रेलवेज़ डबल करना चाहता है, जिसका मतलब ये होता है कि अभी 4 से 5 किलोमीटर पर डे की स्पीड से ट्रैक्स लगाई जा रही है, वो रेलवेज़ बढ़ाकर 12 किलोमीटर पर डे पर करना चाहता है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है 2024 का। फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन्स भी कंपनी रेलवे बढ़ाना चाहता है, और मल्टी मॉडल टर्मिनल में भी 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है। मीडियम से लॉन्ग टर्म की बात करें तो 39 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है नेशनल रेलवे प्लान के अंतर्गत, और ये 30 ईयर का प्लान है, जिसका मतलब ये होता है कि इन सब कंपनियों को शॉर्ट टर्म में ही नहीं, मीडियम से लॉन्ग टर्म में भी ऑर्डर इनफ्लोज रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते आ सकते हैं। वैगन मैन्युफैक्चरर्स की भी इन पर्टिकुलर बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवेज अराउंड 90,000 वैगन्स ऐड करना चाहता है FY 25 तक। उसी के चलते रिपोर्ट्स का मानना है कि 25% से CAGR बेसिस पर वैगन मैन्युफैक्चरर्स का टॉप लाइन ग्रो कर सकता है, और उसी के चलते मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो भी रेलवेज से आ सकता है। सो ऑल इन ऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया गया है रेलवेज के चलते, रेलवे के लिए, उसी के चलते इन स्टॉक्स इन कंपनीज को ऑर्डर इनफ्लोज मिल रहे हैं और उसी के चलते स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं आगे। GNA एक्सलेस के MD और CEO रणबीर सिंह का कहना है कि कोरोना के बाद CV सेगमेंट का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है, साथ ही इसमें ग्रोथ करीब 65% की दर्ज की गई है। CV मार्केट है आफ्टर कोविड, आफ्टर लॉन्ग टाइम इट हैज ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और 65% ग्रोथ की है CV सेक्टर ने जो फर्स्ट हाफ में है। इसके दो रीज़न है, एक तो लो बेस था बिकॉज ऑफ कोविड पीरियड, बिकॉज ऑफ लो बेस द रिफ्लेक्शन ऑफ परसेंटेज ग्रोथ जो है काफ़ी हायर शो हो रही है, और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो CV मार्केट है प्री कोविड लेवल के ऊपर अभी टच कर गई है और उसको क्रॉस भी कर सकती है। इधर टाटा मोटर्स JLR के CEO थियरी बोलोर ने इस्तीफा दे दिया है। 2018 में JLR के अधिग्रहण के बाद बोलोर चौथे CEO थे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स में अहम मैनेजमेंट एग्जिट हुई है। JLR के CEO थियोडोर बोलोर ने जो है अपनी CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। रीजन पर्सनल रीजन साइट किया है, December 31st तक जो है वो रहने वाले कंपनी तक, उसके बाद वो नहीं रहेंगे, और आगे जाते हुए जो है उन्होंने सितंबर 2020 में जो है बागडोर संभाला था कंपनी का, रालस्वीत को उन्होंने रिप्लेस किया था, और वो चौथे CEO थे जब से टाटा मोटर्स ने JLR को अक्वायर किया। उनके टेन्योर में टाटा मोटर्स 200% तक जो है स्टॉक में तेज़ी देखने मिली, वही निफ्टी ऑटो इंडेक्स में से 49% का ग्रोथ आया। हालांकि ये जो स्टॉक रिएक्शन है वो डोमेस्टिक बिजनेस जो है टाटा मोटर्स की, उसकी आउट परफॉर्मेंस के कारण देखने मिला था। और दो अहम बात है उनके टेनियर की, सबसे पहला है कि उन्होंने एक री इमेजिन स्ट्रैटेजी डेवलप किया था। हालांकि उनके टेनियर में दो इम्पॉर्टेंट बाधाएं आई थी, पहला था COVID-19 और दूसरा था चिप शॉर्टेज, जिसके कारण JLR में इम्पैक्ट पड़ा था उनके फाइनेंशियल्स को लेके और उनके बिजनेस को लेके। अब आगे जाते हुए एड्रियन मार्डल जो है इंटरिम CEO बन रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ, 32 साल का कंपनी के साथ एसोसिएशन और 3 साल बोर्ड मेंबर भी रहे हैं, और इंपॉर्टेंट एग्जिट्स भी टाटा मोटर्स में ओवरऑल देखने मिली थी, जैसे कि CEO गंटर बुशेक JLR के थे, वो CEO और MD जो है उन्होंने भी कह सकते हैं कि स्टेप डाउन किया था 2021 में। फिर ऊपर लेवल के लीडरशिप लेवल जैसे कि प्रताप बोस और SNB वर्मन, इन्होंने भी जो है डिज़ाइन के मार्केटिंग के हेड्स, इन्होंने भी इस्तीफा दिया था। और रिसेंटली जो है मार्क लिस्टोला जो एक्सपेक्टेड थे कि ज्वाइन करेंगे टाटा मोटर्स के CEO MD, वो भी जो है लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर दिए। आगे और अगली खबर का रुख करते हैं। ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनी मैकलॉरेन ऑटोमोटिव ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एंट्री ले लिया। धमाकेदार एंट्री है ये। कंपनी की पहली आउटलेट मुंबई में खोली गई है। मैकलॉरेन के भारतीय बाजार में एंट्री करने के साथ ही ये साल ब्रिटिश कंपनी की 41वां ग्लोबल मार्केट बन गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन मार्केट में आने से कंपनी की एशिया पैसिफिक रीजन में मौजूदगी और मजबूत होगी।
और इधर जीप इंडिया ने अपनी फिफ्थ जनरेशन ग्रैंड चेरोकी लॉन्च कर दी है, जो कि प्रीमियम एसयूवी की लेटेस्ट जनरेशन है। भारत में फ्लैगशिप एसयूवी ग्रैंड चेरोकी की शुरुआती कीमत 77 लाख से ज़्यादा रखी गई है। ग्रैंड चेरोकी चार कलर वेरिएंट ब्राइट व्हाइट, डायमंड ब्लैक, क्रिस्टल रॉकी माउंटेन और वेलवेट रेड में अवेलेबल है। जानकारी के मुताबिक इस महीने के आखिर में इस एसयूवी की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। और चलिए अब बात क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप की दो घायल टीमें कल आमने सामने होंगी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कल टीम इंडिया न्यूजीलैंड से पहला T20 मैच खेलेगी। मैच के लिए दोनों टीमों ने जमकर नेट प्रैक्टिस की। आई थिंक T20 क्रिकेट रिक्वायर्स टू प्ले विद फ्रीडम, लॉट ऑफ फ्रीडम, लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट, यू नो, एंड व्हाटएवर टाइम आई हैव स्पेंट विद दिस प्लेयर्स एंड वॉचिंग हिम ओवर द इयर्स ऑल्सो ग्रो इनटू वंडरफुल international players, I think that is their strength. And especially in T20 format, you require to play with that freedom, with that fearless attitude. But at the same time, it's important to assess the condition and the situation and play and fulfill the needs of the team. I think it's also important to be flexible. But I think in T20 cricket, you require to express yourself. And that's when you will be successful. और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं स्वदेश विशेष के साथ, जहां आज हमने चर्चा की ऑटो सेक्टर में जो वेटिंग पीरियड है एसयूवी सेगमेंट में वो क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है और ऑटो सेक्टर की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका राज क्या है। नमस्कार। हमारी ये खास पेशकश बेशक आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएगी, क्योंकि जहां पूरी दुनिया इस वक्त मंदी की आड़ तले दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना भारत रोजाना नए आयाम गढ़ रहा है और इसकी एक तस्वीर देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में साफ तरफ से नजर आ रही है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप अपनी पसंदीदा कार खरीदने की चाहत इस वक्त रख रहे हैं तो यकीन मानिए फेस्टिव सीजन गुजर तो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर आज की डेट में आप अपनी पसंदीदा कार बुक करते हैं तो आपको 20 से 22 महीनों का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और ये एक बड़ी वजह है जो बताती है कि किस तरह से ऑटो सेक्टर में और भारतीय ऑटो सेक्टर में डिमांड बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जिस तरह की रफ्तार पकड़ी है वो दिखाती है कि भारत की तस्वीर बदल रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो वेटिंग पीरियड का पूरा झमेला है ये थोड़ा बहुत एंथुजियाज्म भी किल करता है। इस बदलती तस्वीर के बीच ऑटोमोबाइल कंपनियों की माथे की टेंशन बढ़ रहा है डिमांड को तय समय पर पूरा करना। और आज इस खास शो में इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, इसके अलग अलग पहलुओं पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ मौजूद होगा मेहमानों का एक बहुत ही विशेष पैनल, लेकिन सबसे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए जो आपको बताएगा कि मौजूदा तस्वीर है कैसी। आपको अपनी पसंदीदा गाड़ी की डिलीवरी के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कार बाजार में कारों की जबरदस्त डिमांड है। डिमांड का हाल ये है कि 20 से 22 महीने की वेटिंग चल रही है। 8 लाख से ज्यादा कारों की डिलीवरी इस वक्त पेंडिंग है, जिसमें 99% पेट्रोल डीजल की कारें हैं। इसीलिए बड़ी कंपनियां पेट्रोल डीजल कारों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर करीब 20,000 करोड़ खर्च करेंगी। वैसे तो सेमीकंडक्टर्स की कमी अभी है, लेकिन पहले से इसमें सुधार आया है। अगर आज आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को खरीदते हैं तो इसकी डिलीवरी आपको 21 महीने बाद मिलेगी। नवंबर में सबसे ज्यादा इंतजार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के लिए करना पड़ रहा है। महिंद्रा की इस एसयूवी के आते ही इसकी जबरदस्त बिक्री देखी गई। बुकिंग शुरू होने के आधे घंटे के भीतर इसके 1 लाख से अधिक यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी थी। नवंबर में महिंद्रा एक्सयूवी 700 की वेटिंग पीरियड में कुछ कमी आई है। इसका डिलीवरी टाइम 18 महीने से घटकर 15 महीने हो गया है,
अभी इसके डीजल मॉडल की मांग सबसे ज्यादा है। जल्दी डिलीवरी के लिए पेट्रोल मॉडल लिया जा सकता है। दूसरी सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड वाली गाड़ी किया की कैरेंस एमपीवी है। इसके लिए आपको 19 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसके 1.5 लीटर मैनुअल प्रेस्टीज बेस मॉडल की वेटिंग सबसे ज्यादा है। किया सोनेट अभी ब्रांड की सबसे ज्यादा बिक्री वाली कार है। इसके लिए आपको 10 महीने तक रुकना होगा। अक्टूबर में इसका वेटिंग पीरियड 11 महीने था। वहीं अक्टूबर में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कार ह्युंडई क्रेटा थी। इसकी जबरदस्त डिमांड ने क्रेटा की डिलीवरी टाइम को 8 महीनों तक बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक कारें भविष्य का ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, लेकिन अभी भी पेट्रोल डीजल कारों की डिमांड कम नहीं हुई है। यही वजह है कि लंबा वेटिंग पीरियड आपकी फेवरेट कार को घर लाने में लंबा इंतजार करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से जो एसयूवी सेगमेंट है वहां पर ज्यादा डिमांड नजर आ रही है, और यही लंबा इंतजार, जैसा हमने आपको बताया कि नवंबर में आप कोई गाड़ी बुक कर रहे हैं तो सोचिए 20 महीने बाद वो गाड़ी आपको मिलेगी। साई गिरधर साहब हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में सबसे पहले शामिल हो रहे हैं। आप हैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के सेक्रेटरी। साई गिरधर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही, जिस तरह के डेटा सामने आ रहे हैं, उसमें एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ऑटो बिक्री के शानदार आंकड़े हैं और आपने भी वो आंकड़े पेश किए हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पसंदीदा कार के लिए लंबा इंतजार। क्या फैक्टर्स हैं इसकी वजह, और इसकी वजह से क्या, जब हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन तो गुजर चुका है, उसके बावजूद 10 से 20 महीने तक का इंतजार फेवरेट कार्स के लिए लोगों को करना पड़ रहा है। सुदेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे को शो में लाने के लिए। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बखूबी बताया, मैं थोड़ा सा आपको फिगर्स से हूबरू कराना चाहूंगा इसके अंदर में। अगर हम बात करते हैं खाली अक्टूबर माह की, जो लास्ट मंथ का महीना था, वो हमारे ऑटो सेक्टर के अंदर में इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मंथ्स जो हमारा अभी गया इसके अंदर। स्पेशली अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं तो करीब करीब 40% का ग्रोथ था इसके अंदर में पिछले साल के अगर हम कंपेयर करें तो। और अगर हम इसको 2019 से कंपेयर करते हैं, जो कि प्री कोविड महीना था, तो अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 18% की ग्रोथ थी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर में। इनफैक्ट अक्टूबर एक पहला ऐसा महीना था जिसमें सारे सेगमेंट्स, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल हो, ट्रैक्टर सेगमेंट्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, सब में ग्रीन है अगर हम 2019 से भी कंपेयर करते हैं उसको। तो बहुत ही इंकरेजिंग आंकड़े हैं। अगर हम फेस्टिवल की बात करें, फेस्टिवल के माह की बात करें, पिछले साल जब हमने फेस्टिवल के आंकड़े रिलीज करे थे तो हम बात कर रहे थे कि हमारे ये वर्स्ट आंकड़े हैं कोई 10 साल के अंदर में। इस साल जब हमने फेस्टिवल के आंकड़े रिलीज करे तो ये हमारे पिछले 4 साल के सबसे अच्छे आंकड़े हैं। और जो स्पेशल इसके अंदर में मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है, टू व्हीलर सेगमेंट ने फर्स्ट टाइम इसके अंदर में ग्रोथ दिखाई है। थोड़ा सा ये अगर सस्टेन करेगा अपने आप को अगले 3-4 महीने के अंदर में, तो प्रोबेबली वी विल, हमें लगेगा कि हम अब बाहर आ गए हैं टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में भी। बल्कि अगर बाकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक अच्छा ग्रोथ का माहौल है। जहां तक ऑलरेडी जो हम अभी वेटिंग की बात कर रहे हैं, अभी भी गाड़ियों पे वेटिंग है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं बेसिकली वेटिंग के। आज चाइना में हम दोबारा बात देख रहे हैं कि लॉकडाउन हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उससे भी थोड़ी सी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, थोड़े से ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज से अभी भी कंपनीज जूझ रही हैं। तो अभी भी अगर हम बात करें तो कंपनी पूरी अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट कर पा रही है उसके अंदर में। और जो एक पेंट अप डिमांड था, जो लोग वेट कर रहे थे गाड़ियां लेने की, अब क्योंकि नए मॉडल्स भी आ रहे हैं, नए फीचर्स के साथ गाड़ियां आ रही हैं, तो उससे भी थोड़ा सा लोग प्रभावित होते हैं उनको लेने के लिए। और कोविड के बाद में शायद एक ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि हर एक परिवार को एक अपनी खुद की गाड़ी चाहिए। वो जो पहले होता था कि आप एक टैक्सी पे या किसी दूसरी गाड़ियों पे आप निर्भर होते थे अपने डे टू डे कम्युनिटी के अंदर में, तो वो शायद अब नहीं है। आज परिवार के हर सदस्य को कहीं ना कहीं एक अपनी पर्सनल कार चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा ये प्री कोविड का भी अगर देखा जाए तो माहौल है इसे।
बिल्कुल साईं जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे हम, मैं जब ये डेटा पूरा देख रहा था तो इसमें मैं देख रहा था कि झुकाव जो है वो एसयूवी और लग्जरी गाड़ियों की तरफ ज़्यादा है, जो हम वेटिंग भी देख रहे हैं और जिन जिन कंपनियों की देख रहे हैं तो इस सेगमेंट में ज़्यादा देख रहे हैं, जबकि एंट्री लेवल में जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर वेटिंग वाली उतनी दिक्कत नहीं है। तो क्या जो भारतीय जनमानस है, जो जो कारों का शौकीन है, क्या उसकी चॉइसेस में भी एक शिफ्टिंग नज़र आ रही है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? डेफिनेटली, अगर आज हम बात करेंगे तो ये एक स्ट्रेट ये हाईलाइट करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। आज से अगर आप कोई 4-5 साल पुराना अगर आप हिंदुस्तान का रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था जहां पर आप एक मिनट को भी सोच सकते थे कि आप एक शहर से या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आप बाय रोड गाड़ी लेकर के जा सकते हो। आज की डेट के अंदर में हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में आप बाय रोड गाड़ी लेके जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बन गया है, स्पेशली जब आप हाईवे पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो थोड़ा सा एसयूवी या थोड़ी सी ऊंची लेवल की जो गाड़ी है उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। एंड स्पेशली हिंदुस्तान जो मार्केट है, इट इज अ मार्केट ऑफ यंग जनरेशन टुडे। यंग जनरेशन को डेफिनेटली थोड़ी एसयूवी और मस्कुलर गाड़ियां पसंद आती हैं। तो एक ये ट्रेंड है, झुकाव है, एंड इट इज एन इंटरनेशनल फिनोमेना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, ये इंटरनेशनली है। बट इसका सीधा असर अगर आप देखेंगे, कोरिलेशन जो है इसका, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हुआ है। ये बहुत अहम बात है कि जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जिस तरह से ऑटो सेक्टर में डिमांड नज़र आ रही है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ, लोग डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन समय पर उन्हें डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ टूटू धवन साहब हैं, जाने माने ऑटो एनालिस्ट। टूटू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और इसके साथ ही हमारे साथ नितिन दौसा साहब हैं, चेयरमैन वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। टूटू सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये जो वेटिंग पीरियड का झमेला है, क्या ये इंथुजियाज़म किल नहीं कर देता? मसलन कि अगर फेस्टिव सीज़न में मुझे चाहिए या किसी ख़ास मुहूर्त पे मैं घर पे गाड़ी लाना चाहता हूँ और अब मुझे 10-20 महीने का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं आप एक ऑब्जर्वर के तौर पे? देखिए, ये तो हमारे को पुराने दिन याद आ गए जबकि गाड़ियाँ 20-20 साल के बाद मिलती थी और स्कूटर हम बुक करते थे तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को जाके मिलता था। ये एक्चुअली जो हमारी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज आई है उसके बाद से ये प्रॉब्लम आई है और सडनली एक डिमांड भी बढ़ गई है। 2 साल जो हमारे पास एक हाइटस था, इसके साथ सब जने अपने घरों में बंद थे और कोई शॉपिंग नहीं कर सकता था, कोई सामान नहीं खरीद सकता था, और साथ साथ में उसी के इकोनॉमी भी हमारी डाउन हो गई। अब आपने देखा ही होगा कि पिछले साल भर से हमारी इकोनॉमी भी बेटर होती जा रही है और जो जो पेंट अप डिमांड थी उस 2 सालों की, वो सडनली अब सबको उसी वक्त चाहिए। और हमारी तो वैसे भी अब आदत थोड़ी सी बिगड़ गई, हम भी वी ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज, ये जाइए इनटू द शोरूम एंड गेट योर कार एंड कम आउट विद इट। तो ये माहौल फिर से आएगा, पर आई थिंक दिस विल बी 2023 एंड में जाके कहीं थोड़ी सी सहूलियत होगी जिसके साथ आपको गाड़ियां उसी स्टेज में आ जाएंगी जबकि मिल सकेंगी आपको ऑन द स्पॉट। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो चैलेंजेस हैं ये बड़े तो हैं और वक्त के साथ ही इस पर से काबू पाया जा सकेगा। नितिन सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त डिलीवरी देने में आप देख रहे हैं? क्या इस तरह का लंबा जो वेटिंग पीरियड है वो जो ऑटो सेक्टर के बिजनेस है या कंपनियों के जो बिजनेस की शिफ्टिंग है वो उस पर भी बहुत बड़ा असर डालता है, लोगों के जो चॉइसेस या डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर भी असर डालता है? ये तो होने का ही है, क्योंकि अभी आपको जैसे पता है कि चिप्स जो आती है वो अवेलेबल नहीं है, कोई टाइम कभी चाइना से आती है। एक टाइम ऐसा था कि 10 से वो जो 15 साल गाड़ी का वेटिंग था जब खाली फियाट एंड एम्बेसडर, और ये जो शॉर्टेज है वो वर्ल्ड ओवर में है। आज एनीवेयर इन द वर्ल्ड कहाँ भी आप जाएंगे आज शोरूम से गाड़ी नहीं उठा सकते कि आज ये मेरे को ये गाड़ी चाहिए तो अवेलेबल है, तो इसका भी शॉर्टेज तो वर्ल्ड ओवर में। बिल्कुल, तो ये जो समस्या है वो ग्लोबली है और इससे सभी जूझ रहे हैं, लेकिन भारत में
चूंकि फेस्टिव सीजन में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम देख रहे हैं फेस्टिव सीजन के बाद अब शादियां हैं और वहां पर तो स्पेसिफिकली लोग चाहते हैं, तो ये जो डिमांड अचानक से सर्ज होती है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और साईं गिरधर साहब एक चीज़ समझना चाहेंगे, तो क्या जिस तरह की परिस्थितियाँ उसमें हम ये मान लें कि हमें फेस्टिव सीजन या किसी मुहूर्त का इंतज़ार छोड़ के अब जो भी गाड़ी हमने शॉर्टलिस्ट की हुई है उसको जाके फटाफट से अभी बुक कर देना है और थोड़ा सा धैर्य रखना है? आमतौर पे भारतीय जो ग्राहक है वो जब किसी चीज़ को लेने की तैयारी करता है, हम कहते भी हैं कि अब आज मन बन गया तो आज घर पे तो गाड़ी लेके ही आएंगे, तो थोड़ा सा तो उत्साह पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन किस तरह की रणनीति बनानी होगी? कि हम जो भारतीय हैं हम एक बड़े क्विक लर्नर्स हैं, तो हम परिस्थिति से हम एकदम से समझ लेते हैं। आज की डेट के अंदर में जब हमारे यहाँ पे भी ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, अगर हम जैसे धवन साहब ने भी बोला, अगर हम आज से कोई साल डेढ़ साल पहले की बात करें तो सारी गाड़ियाँ इमीडिएटली रेडीली अवेलेबल होती थी, कस्टमर सुबह आता था दोपहर तक अपने घर पर गाड़ी ले जाया करता था। आज की डेट के अंदर में नॉर्मल कस्टमर को ये चीज़ पता है कि जब वो शोरूम पे जाएगा उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ियों पे वेटिंग पीरियड होना लाजमी है, किसी गाड़ी पे 4 हफ्ते की वेटिंग है या किसी गाड़ी पे अगर 2 साल की वेटिंग है तो उसको बुक करानी पड़ेगी। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हम देख रहे हैं कस्टमर के अपना नेचर के अंदर में, इन द सेंस जैसे पहले वो बिल्कुल ही रिजिड होता था कि नहीं मेरे को यही कलर और यही वेरियंट लेना है, आज के डेट में कस्टमर्स की फ्लेक्सीबिलिटी आ गई है, उनकी कलर्स के अंदर में वो ऑप्शन देने लग गए हैं, वेरियंट्स के अंदर में वो ऑप्शन देने लग गए हैं। डेफिनेटली आज की डेट में भी मुहूर्त एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शायद बड़े शहरों में नहीं करे लेकिन छोटे शहरों के अंदर में तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है, लेकिन कस्टमर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है आज की डेट के अंदर में, कस्टमर्स कलर्स वेरियंट्स इन सब में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, इनफैक्ट सेगमेंट में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, हमने ये भी देखा है अगर एसयूवी नहीं मिल रही है तो वो सेडान ले लेता है, इतना तक कॉम्प्रोमाइज कस्टमर्स कर रहे हैं गाड़ियां घर पे लेके जाने। बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है कि घर से निकले हैं और मन बन गया है कि घर में एक नई चमचमाती गाड़ी आए तो फिर एसयूवी नहीं सही, सेडान लेकर ही आएंगे, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो वाकई भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर का तो हौसला बढ़ाती हैं। टूटू सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये सवाल मैंने साईं जी से भी पूछा और आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ, हम ये देख रहे हैं कि जो एसयूवी है और जो लग्जरी कार सेगमेंट है यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है भारतीय ग्राहकों का और यहाँ पर ही हम ज़्यादा वेटिंग देख रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या देखते हैं? आमतौर पे भारत में तो बजट जो है सबसे पहले सोचा जाता है, उसके बाद अपनी चॉइसेस देखी जाती हैं, तो ज़रा बताएं इसकी प्रमुख वजहें आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आप कह रहे हैं बजट की, बजट में तो अब जो ये छोटी एसयूवीज बनानी शुरू कर दी है वो एट पार हो गई है ऑलमोस्ट लाइक इन सेडान्स के साथ, तो ये तो अब आप छोड़ दीजिए कि बजट के अंदर नहीं आएगी। बाकी जो एसयूवी की जो इस वक्त चाहत लोगों को शुरू हो गई है वो एक फैशन बन चुका है वर्ल्ड वाइड, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर एक फैशन बन गया है कि दिस विल गिव यू अ मैनली लुक, अ मैनली माचो लुक जिसको कहते हैं हम, और उस करके ये हर एक आदमी चाहता है कि एक एसयूवी टाइप की गाड़ी होनी चाहिए। अब आप वो देखते हैं थार और महिंद्रा की जो है, हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू जो हमारी सेडान्स हैं और हमारी जो नई एसयूवीज हैं, बट फिर भी उनकी 2-2 साल की 3-3 साल की वेटिंग है, दैट इज ओनली बिकॉज of the manly feeling that you get while driving that car. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बातें वाकई जो हैं वो हम एक बदलाव के तौर पर भी हमें इसे देखना होगा, और इन सारी चीज़ों में जो भारतीय ग्राहक है उसकी जो चॉइसेस हैं, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, उनके हिसाब से इंडस्ट्री को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है प्रोडक्शन का, हमारी जो प्रोडक्शन की तैयारी है वो किस तरह से है, क्योंकि हम टारगेट तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। नितिन सर, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा, जो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी के लक्ष्य हैं या जो ग्राउंड ज़ीरो पर या जिस तरह से कंपनियां उसमें तैयारी कर रही हैं, वो क्या उस लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं? प्रोडक्शन क्षमता के हिसाब से हमें किन किन और
क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम करना होगा। इसमें ऐसा है कि अभी तो जो प्रोडक्शन है वो तो ठीक है, पर अभी चिप के वजह से शॉर्टेज है, और क्या हो गया कि डिमांड इसके लिए बढ़ गई है कि जो पहले टू व्हीलर वाले थे वो अभी छोटी गाड़ियां पे आ गए, तो इसके लिए वेटिंग पीरियड बढ़ गया है। नहीं तो एक दो साल पहले तो इतना कोई लेट वेटिंग पीरियड नहीं था, कोई कोई सिडान थी वो आपको शोरूम से मिल जाती, तो ये तो अभी क्या इकोनॉमी अपनी अच्छी है इंडिया की, तो इसके लिए बायर्स भी जास्ती बढ़ गए। बाकी तो एक्सपोर्ट भी गाड़ियां यहाँ से हो रही है, तो नहीं तो अगर जो इधर की डिमांड रहती तो इतना एक्सपोर्ट नहीं करते थे, बट एक्सपोर्ट भी हो रही है कोई कोई मेक्स, पर ये नेक्स्ट जो 6 महीने में सेटल हो जाएगा।